सो हेलो गाइस कैसे हो सारे, वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई देखो, आज से पूरे एक साल पहले मेरा ड्रीम पूरा हुआ था और आज अपने दूसरे भाई का ड्रीम पूरा होने जा रहा है। हां भाई, भाई बहुत इतनी खुशी हो रही है ना, मैं रात को सोया नहीं हूं। रमन हैज फाइनली गॉट अ GT, मतलब इसका इतने टाइम से गाड़ी लेने का मन था। पहले कह रहा था मैं सेकंड हैंड लूंगा, मैंने कहा रमन कुछ भी लियो पर सेकंड हैंड गाड़ी ना लियो। तो फाइनली ही हैज गॉट अ ब्रांड न्यू GT। इट्स सेल्फ अर्न्ड, ये नहीं कि भाई पापा के पैसों पे लेकर आ रहा हूँ, खुद कमाया और खुद लिया। आज सुबह ही ना मुझे रमन की कॉल आती कि नूर कहाँ है, मैं घर पे हूँ। मैं उठा भी नहीं था, चार पांच मिस कॉल आ रखी थी, कहता भाई गाड़ी लेने जा रहे हैं। मैंने गाड़ी फाइनल कर दी, मैंने गाड़ी फाइनल कर दी है, मतलब इस ये बंदा कल गाड़ी फाइनल करके आया और आज सारी पेमेंट वेमेंट करके सब कुछ निपटा दिया। मैं इतने टाइम से ना व्लॉग इसलिए नहीं कर रहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि इन भाई का लोन अप्रूव होना और हम पूरा व्लॉग व्लॉग बना दें, लास्ट में पता लग रहा है कि लोन था। लेकिन फाइनली भाई गाड़ी आ चुकी है। एक और चीज है सेल्फ, मतलब होता है ना कि यार एक होता है पापा के पैसे से लेना, भाई भाई ने मेहनत करके लिया, इतने टाइम से मेहनत कर रहा है। अरे आप आओ, और कह रहे मैंने पैसे दिए, पेमेंट मैंने दिए, अंकल ने पेमेंट झूठे। मैंने कहा पेमेंट पापा ने दिए बट मैं उनको वापस दूंगा, ये भी बताओ पापा ने मेरे को। इस टाइम बात की बात है, वो बात की बात है, पेमेंट मैंने दी, उसकी खुशी थी, उसको लग रही थी अच्छी, पर मैंने ये बात कही थी कि गाड़ी मुझे थोड़ा सा, लेकिन ये कह रहा मुझे चाहिए ही है, तो फिर मैं चुप हो गया। चल को बात, अंकल ने वैसे अपने पास फॉर्च्यूनर रखी हुई है, कितनी गाड़ी रखी हुई है अंकल ने, है कितनी गाड़ियां रखी हुई वो तो सबको पता, नीचे लिख देते हैं क्रेटा। 10 गाड़ियां होंगी, लेकिन अंकल ने इसे बोला कि भाई तू अपनी मेहनत से कमा और अपनी मेहनत से गाड़ी ले। क्यों अंकल, है ना, अपनी मेहनत से कमाई हुई गाड़ी का खड्डे में जाती है तो दर्द होता है, और पिताजी की गाड़ी खड्डे में जाती है तो क्या हो गया पापा। क्यों भाई, अपनी गाड़ी ढंग से चलाएगा, 100 की स्पीड में नहीं, मैं 10 20 30 तक ही उसकी एवरेज बने। अब तेरे को पता है ना, जब मेरे पास पुरानी गाड़ियां थी स्कोडा कैसे चलाते थे, कि कोई भी मतलब ठोका आया मैं हंसता था, लेकिन आज जब अपनी गाड़ी है तो इतनी सी भी चोट लगती है ना तो दिल पे लगती है। ये कैमरा दे अब लीन को, मैं कुछ एक दो बात बोलूंगा। मैं इधर हूं, सबसे बड़ी बात, एक तो सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे पापा का, ठीक है, उसके बाद ये बंदा सपोर्टिव। अपना फालतू पैसे मत उड़ा, सबसे बड़े तो ये, भले ही ये अंदर से ना, मतलब बाहर से बहुत अखरोट होंगे, वो क्या कहते हैं उसको, दिखाते नहीं है बाहर से, बट अंदर से, बाहर से नारियल, हाँ अंदर से ही मेरे को दिख गया, ही इज वेरी हैप्पी। तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो गाड़ी ली है ना, मैंने खुद नहीं ली है, ये सबकी मेहनत है और सबकी ब्लेसिंग्स है, और बस अभी आके देखो, और बहुत बस अभी तो गाड़ी में बहुत कुछ होने वाला है। तो अगर आप चाहते हो ना कि हम और भी, जैसे हम गाड़ी में काम करेंगे उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाते रहे, तो कमेंट करके बता देना। चाहता मैंने नूर को बोलता, मैंने कहा इस साल के एंड में ना मेरा एम है कि मैंने कार लेनी है, वो भी नहीं, और साल का एंड है, दिसंबर है, इतना काम किया, आगे भी और काम। भाई एक चीज देख, सबसे मेन चीज देख, मेरी गाड़ी भी दिसंबर में आई, तेरी गाड़ी भी दिसंबर में आई, अब नेक्स्ट गाड़ी भी जो आएगी वो भी दिसंबर में आएगी, जनवरी में यार। हाँ एक भाई, अभी एक और आने वाली, अभी एक और आने वाली है, वो भी आराम से बताएंगे जब आएगी, तो ऐसी वीडियो। और भाई एक और बात बता दूं, ये जो भाई ने गाड़ी लिया ना, कोई वो उस पर्पस से ले ली, हवाबाजी है वो, इसने जो गाड़ी लिया ना, मतलब मैंने इसको देखा है, ये चलो मेरे साथ तो दिल्ली जाता था, उसके बाद अलग भी दिल्ली जाता था धक्के खाते हुए, मतलब 250-250 वाली बसों में भी गया सिर्फ माल लेने। और आज अगर इस पे गाड़ी है तो बाबा जी की एक होता ना, एक तो मेहनत है और साथ में बाबा जी की एक मेहर है कि भाई इसने मेहनत करी और इसको अब एक रिवॉर्ड मिल रहा है। मेरी तो ये ब्लेसिंग है कि ये सही रास्ते पे चले, चल रहा सही रास्ते पे चले, रास्ते दो है, एक गलत और एक सही, सही पे जाएगा तो बहुत कामयाब होगा, गलत पे जाएगा सही से भी गलत से डाउन हो जाएगा। सही कह रहा है, सही। आप लोगों को भी मेरे को लगता है देख के ना एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे एक बंदा यहाँ से यहाँ तक जाता है, और आप लोग भी रमन को 3-4 साल से देख रहे हो मेरे साथ, है ना। तो भाई बस मैं आपको यही चीज़ बोलूंगा गाइस, आप लोग भी मेहनत करते रहो, अगर मैं कर सकता हूँ, रमन कर सकता ना, तो आप लोग भी कर सकते हो। एंड अब कोशिश करूंगा जो व्लॉग्स हैं वो थोड़े रेगुलर रहें, एंड नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, बस एक चीज़ बोलूंगा, कभी ड्रीम करना ना छोड़ो। अब ये भी है, ये भी बेचारा मेहनत कर रहा है,
पर मैंने इसको एक चीज सिखाई है कि नेवर स्टॉप ड्रीमिंग ड्रीम कोई बात नहीं, अंग्रेजी गलत हो गई, पर वहीं से क्यों भाई। चलो अब इसने मुझे देखा, रमन को देखा, इसको रमन को देख के और मोटिवेशन मिल गई कि भाई नहीं अब तो करना है, अब तो करना है भाई, अब तो करना ही है भाई, साथ के सब पे गाड़ी है तो भाई खुद भी मतलब है तो अपनी यार, थार भी अपनी है, ये भी। मेरे को ना बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं और हर वक्त बोलते हैं कि भाई हम आपको जब भी सामने से देखते हैं ना, मतलब आप बिल्कुल ही डिफरेंट लगते हो, मतलब आप बेटर लगते हो। तो मैं बताता हूँ भाई, इसका रीज़न ये है एक्चुअली, जो मैं लेंस यूज़ करता हूँ ना वो वाइड है, तो जब आप क्लोज करते हो वाइड करते हो ना तो फेस की शेप भी चेंज होती है, तो उस रीज़न से बंदा डिफरेंट लगता है। बाकी चलो दूसरी चीज़ आपको बता दूँ, जो अपना iMac है, अपना iMac फाइनली सही हो चुका है। मतलब मेरे डैड की मोबाइल की शॉप है राज प्लाजा में, अगर आपको नहीं पता, सिर्जन टेलीकॉम के नाम से, तो वहाँ पे सारा एप्पल उप्पल का काम होता है। तो मैंने अपने पापा को दिया, पापा ने विद इन एक दिन ठीक कर दिया।